हेलो डी एस टूडेन्स आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ इंटरचेंज ऑफ एक्सट्रीमेटरी सेंटेंसेस इनटू टू सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एसर्टिव और एक्सलीमेटरी सेंटेंसेस अगर कोई एसर्टिव है तो उसे हमने एक्सक्मेटरी में चेंज करना है और अगर कोई एक्सक्मेटरी सेंटेंस है तो उसे हमने एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस यू आर वेरी फोलिश देखिए ये एक एसर्टिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है ओके okay, और ये एक स्टेटमेंट है तो आप इसे किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं हाउ फुलिश यू आर ओके देखिए यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और इसका मीनिंग है कि तुम कितने फुलिश हो फुलिश का मीनिंग होता है स्टूपेड या फिर कोई मूर्ख व्यक्ति ओके okay? तो देखिए आपने किस तरह से इसे चेंज कर देना है यहाँ पर आपने हाउ लगा देना है स्टार्टिंग में ओके okay, तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस हाउ कैन अ स्टूडेंट बी अफ्रेड ऑफ़ स्टडीज़ देखिए ये एक एक्सलीमेटरी सेंटेंस है आप इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट अ स्टूडेंट इज़ अफ्रेड ऑफ़ स्टडीज़ ओके देखिए यहाँ पर हमने वेरी स्ट्रेंज वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये जो है एक इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि हम इसे बहुत ज़्यादा अजीब समझ रहे हैं स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब ओके okay? तो हमें लग रहा है हमें बहुत अजीब लग रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो कैसे स्टडीज से डर सकता है ओके okay? अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट अ स्टूडेंट इज़ अफ्रेड ऑफ स्टडीज़ ये बहुत ही अजीब बात है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई से डरता है इट इज़ अ ग्रेट पिटी दैट शी डाइड यंग पिटी का मीनिंग होता है तरस खाना ओके तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग है कि ये बहुत ही ज़्यादा तरस वाली बात है कि वह बहुत यंग एज में ही उसकी डेथ हो गई थी तो आप इसे इस तरह से एक्सक्लमेटरी में चेंज कर सकते हैं व्हाट अ पी दैट शी डाइड यंग देखिए यहाँ पर हमने व्हाट अ पी लिख लिया है स्टार्टिंग में और इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया है और लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना है तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस वट अ ब्यूटिफुल सनसेट देखिए ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमें कोई सनसेट जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है हम उसकी तारीफ कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये और आप किस तरह से इसे सर्टी में चेंज करेंगे इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सनसेट ओके okay, देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया हुआ है और हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर सनसेट है ओके okay? तो इस तरह से आप एक्सक्रमेटरी सेंटेंस को हिसटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं तो अभी हम देखते हैं एक और सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ नाइस ऑफ यू ये वर्ड हम ये जो सेंटेंस है जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं ऑलमोस्ट uh, डेली हम किसी न किसी बात में हम इसे यूज़ कर सकते हैं हाउ नाइस ऑफ यू हाउ स्वीट ऑफ़ यू इस तरह के एक्सप्रेशन हम यूज़ करते रहते हैं तो आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू ओके हाउ नाइस ऑफ यू एक एक्सलमेटरी सेंटेंस है और आप इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं ऐसे कह के इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू ओके तो अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस व्हाट अ प्लेयर ही इज़ आप किसी प्लेयर को देख कर हैरान हो रही हो कि वो कितना अच्छा प्लेयर है ओके तो आप इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर वह एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है वैसे ग्रेट का मीनिंग होता है महान ओके कि वह अपनी फील्ड में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इज़ अ ग्रेट प्लेयर ओके सो आई होप आपको अच्छी तरह से ही समझ में आ गया है कि हम किस तरह से एसर्टिव को एक्सक्लमेटरी में चेंज करते हैं या फिर एक्सक्मेट्री को एसर्टिव एक में चेंज करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं जिन्हें हम देख सकते हैं ओके सो आई होपू हैवन डिस्टो टू डेज लेसन थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यून इमीडिएट एंड प्लीज़ किम योर कॉमेंट्स ऑल्सो थैंक यू